Hello dear students, I am Ansar sir and today we are going to start our 12th standard. And in the 12th standard we will be studying chapter number 1, Rotational Dynamics. So it's chapter 1 in physics, Rotational Dynamics. The word rotational is already known to you. Let us now discuss what dynamics means. See, the word dynamics always means changing. मतलब टुडे सपोज आई एम बिहेविंग लाइक अमिताभ बच्चन, टुमारो आई एम बिहेविंग लाइक रुक रुक खान, द नेक्स्ट डे आई एम बिहेविंग लाइक एनी अदर एक्टर, टाइगर श्रॉफ. सो यू विल से अंसार सर इज अ वेरी डायनेमिक पर्सन, ही कीप्स ऑन चेंजिंग. सो हियर द चैप्टर इज रोटेशनल डायनेमिक्स. इन रोटेशनल मोशन मेनी थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग. इफ वन थिंग इज चेंज अनदर थिंग ऑल्सो विल चेंज. जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो वहाँ आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, बट आधे चैप्टर के बाद वो आएगा. उससे पहले वी विल डिस्कस वन थिंग कि सपोज देयर इज अ रोटेटिंग टर्न टेबल. एक टेबल है या चेयर है जिस पर मैं खड़े होकर गोल घूम सकता हूँ. आपने देखे होंगे रोटेटिंग चेयर होती है. सो सपोज मैं रोटेटिंग चेयर पर खड़ा हो जाता हूँ और दो 10-10 किलो वाले या लेटर से 5-5 किलो वाले दो डम्बेल्स मैं अपने हाथ में रख लेता हूँ और डम्बेल्स हाथ में रख के मुझे कोई एक बार धक्का दे देगा तो क्या होगा? आई विल स्टार्ट रोटेटिंग, मैं रोटेट होने लग जाऊंगा और बहुत फास्ट रोटेट होगा. लेकिन रोटेट होते समय धीरे धीरे अगर मैं अपने हाथ ऐसे कर दूंगा तो ये जो डम्बेल में जो 5 किलो एंड इधर 5 किलो मास है दोनों तरफ मासेस, ये मासेस मेरी बॉडी से दूर जा रहे हैं. बॉडी से इतना डिस्टेंस दूर है, वन हैंड एक हाथ की दूरी नियरली 0.75 मीटर और ये 0.75 मीटर नियरली, ये कौन कौन मीटर दूर है. तो बॉडी मेरी बॉडी से मास दूर चला गया, वेट ये मास जो है मास वन मास टू दूर गया. तो अब गोल घूमते समय माय स्पीड, माय रोटेशनल स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन विल डिक्रीज. मेरी गोल घूमने की स्पीड कम हो जाएगी अपने आप. किसी ने मेरी स्पीड कम नहीं किया, मैंने मास हाथ दूर ले गया मेरी स्पीड कम होगी. अब स्पीड कम होते होते अचानक फिर मैं धीरे धीरे हाथ पास में लाऊंगा और फिर मेरे बॉडी के सेंटर यहाँ हार्ट के पास में दोनों 5-5 किलो वाले मासेस दोनों यहाँ ला लूंगा. तो व्हाट विल हैपन, मेरी गोल घूमने की जो स्पीड है वो अपने आप फिर से बढ़ जाएगी. एंड आई विल रोटेट फास्टर, बहुत तेज घूमने लग जाऊँगा पहले जैसा जितना पहले घूम रहा था. फिर मैं हाथ दूर ले जाऊँ मेरी स्पीड कम हो जाएगी, गोल घूमने की स्पीड. माई एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज. फिर हाथ पास में लाऊंगा, माई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज. सो क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन में डायनेमिक्स हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है. इसके बारे में भी वी विल स्टडी इन डिटेल. नियरली आधा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. एंड आई हैव पोस्टेड PDF textbook, physics textbook to you. I hope कि आप उसमें से देख करके पता कर लोगे कि whatever I am teaching is up to the mark. मतलब हमारी textbook से वो related है, ये आप पता कर लोगे. ठीक है, तो सबसे पहले remember the difference between rotational motion and circular motion. Rotational motion एक अलग चीज है and circular motion is another thing. What do you think? What can be the difference between these two? Rotational motion and circular motion. So in circular motion is two-dimensional motion, 2D. इसमें अगर कोई चीज गोल घूम रही है तो उसकी ब्रेथ होगी और लेंथ होगी. But rotational motion में it is three-dimensional motion. And remember, rotational motion में entire body rotate होती है and circular motion में एक particle rotate होता है. Suppose there is a wall clock. एक दीवार घड़ी है और उसमें ये मिनट हैंड है एंड ऑन द मिनट हैंड देयर इज एन एंट, एक चींटी इस मिनट हैंड पर बैठी हुई है और ये वॉल क्लॉक घूम रही है. तो इसमें से चींटी का जो मोशन है, वी कैन कंसीडर द एंट, इस चींटी को हम एक पॉइंट साइज पार्टिकल समझ सकते हैं. दैट एंट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल. सो इफ अ सिंगल पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस, सो द मोशन, that motion of the particle along the circumference of the circle is called circular motion. But ये जो hand of the clock है, minute hand, ये जो घड़ी का काटा है, ये कैसे बना है? यहाँ पे भी particle है, यहाँ पे भी particle है, atoms होंगे इसके, molecules होंगे, ये बहुत सारे particles है. तो first particle भी circular motion कर रहा है, second particle भी circular motion कर रहा है, third particle भी circular motion कर रहा है, the fourth particle also is performing circular motion. In this way all the particles are performing circular motion. So बहुत
सारे पार्टिकल्स मिलकर सर्कुलर मोशन कर रहे हो, वो पूरी बॉडी रोटेट हो रही है, तो दैट इज रोटेशनल मोशन. द मोशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक इज रोटेशनल मोशन, बट द मोशन ऑफ वन पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्क्यूलर मोशन. तो ये पार्टिकल नंबर वन, पार्टिकल टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड ये चीटी सेवन. सेवन पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन, ईच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन, लेकिन पूरे हैंड ऑफ द क्लॉक का मोशन देखा जाए तो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. आई होप आप रोटेशनल मोशन और सर्क्यूलर मोशन का डिफरेंस समझ गए होंगे. लेट अस नाउ डिफाइन सर्क्यूलर मोशन. हमारी टेक्स्ट बुक पूछती है डिफाइन सर्क्यूलर मोशन और व्हाट इज सर्क्यूलर मोशन. तो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सर्क्यूलर मोशन. हालांकि हमने 11th स्टैंडर्ड में इसको डिस्कस किए हैं, बट स्टिल थोड़ा लिख लेते हैं. सर्क्यूलर मोशन, सर्क्यूलर मोशन द डेफिनेशन इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्क्यूलर मोशन. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्क्यूलर मोशन. बट रिमेंबर, सर्क्यूलर मोशन होने के लिए पूरा सर्कल घूमना जरूरी नहीं है. सपोज वी हैव अ पेंडुलम क्लॉक 12, 3, 6, 9, ये उसके हैंड्स है समझो, और ये स्ट्रिंग एंड दिस इज द बॉब. अब ये बॉब जो है ये यहीं तक घूम रहा है, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एंटायर सर्कल, ये तो एक आर्क में घूम रहा है, आर्क ऑफ अ सर्कल. सो दिस मोशन ऑल्सो इज कंसिडर्ड टू बी सर्क्यूलर मोशन, क्योंकि सो वेदर इट इज अ कंप्लीट सर्कल और एन आर्क ऑफ अ सर्कल, द मोशन इज सेड टू बी सर्क्यूलर मोशन. So what is circular motion? The motion of a particle along the circumference of a circle is called circular motion. Can we give an example of circular motion? Motion of electron motion of an electron around the nucleus in hydrogen atom. So, motion of a particle along the circumference of a circle is called circular motion. Now, circular motion has two types. Circular motion की दो types है, UCM, आपके घर में केबल है, and non-UCM. It is uniform circular motion. UCM is uniform circular motion. Now what is uniform circular motion? What do we mean by the word uniform? In physics we always know कि uniform का मतलब होता है same. So the motion of a particle along the circumference of a circle, along the circumference of a circle with same speed is called uniform circular motion, same speed. And the example is motion of electron in a hydrogen atom in the first orbit. Jab electron first orbit mein ghumta hai, to uski speed nearly 2 into 10 raised to power 6. Let us not discuss about the speed, or we can say ke hoti hai nearly speed 2 into 10 raised to power 6 meters per second, or we can say 2 into 10 raised to power 3 kilometers per second nearly. So ye, by the way, this is its linear speed. So same speed se ghum raha hai, speed change nahi ho rahi hydrogen atom mein electron ki first orbit ke electron ki speed. So motion of a particle along the circumference of a circle with same speed is called uniform circular motion. And the second one is non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion का मतलब the motion of a particle along the circumference of a circle with changing speed. Speed change होना चाहिए, with changing speed. Particle की speed change हो रही है, तो we will say
the motion is non-uniform circular motion. The velocity, the speed is not same. Angular speed is also changing as well as linear speed also will change. Example kya hai? If I take a spring, अगर मैं एक रस्सी ले लेता हूँ और रस्सी से पत्थर को बांध कर लटका देता हूँ नीचे और इस पत्थर को वर्टिकल सर्कल में घुमाता हूँ, वर्टिकल मतलब if I take a spring, एक रस्सी ले लिया लंबी, उसके नीचे पत्थर बांध दिया और फिर ये रस्सी का एक किनारी पर पत्थर है, दूसरी किनारी को अपने हाथ पे पकड़ो और वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा। Where do you think the speed of the stone will be maximum? पत्थर की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी? Of course yes, नीचे। जब स्टोन नीचे जाएगा तो उसकी स्पीड मैक्सिमम रहेगी क्योंकि पत्थर नीचे आएगा तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, और जब पत्थर ऊपर जाएगा तो इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर चीज को नीचे खींचता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये स्टोन रस्सी से बांधा हुआ पत्थर ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड कम होगी एंड द स्पीड विल बी मिनिमम हियर एंड मैक्सिमम हियर। एक एंट्रेंस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल चिलर क्वेश्चन है कि कौन से पॉइंट पर स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। दिस इज पॉइंट डी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सो ऑफ कोर्स पॉइंट डी क्योंकि यहां पर मैक्सिमम लोड आ रहा है। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। बाय द वे यू नो इट, 11th स्टैंडर्ड में वी हैव स्टडीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहां पर स्पीड ज्यादा रहेगी, यहां स्पीड कम रहेगी। सच अ मोशन इन विच द स्पीड इज नॉट द सेम, द वैल्यू ऑफ स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग और इट चेंजेस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, द सेम क्वेश्चन विच आई आस्क यू इन द 11th स्टैंडर्ड, मैं जब आपको 11th स्टैंडर्ड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन दिया था, एट दैट टाइम आई हैड एक्सप्लेन टू यू कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारी 12th की टेक्स्ट बुक में भी पूछा है कि इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल इट हैव एक्सेलरेशन और नॉट, वो पार्टिकल में एक्सेलरेशन रहेगा या नहीं रहेगा। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी अगर इसकी स्पीड लेट अस से 200 किलोमीटर पर आवर है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर मैं इसको गोल 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 घुमा रहा हूं और ये स्पीड यहां पर भी 200 है, यहां भी 200 है, एट एवरी पॉइंट हर जगह इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड इज नॉट चेंजिंग, तो इसमें एक्सेलरेशन रहेगा या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इसमें एक्सेलरेशन रहेगा या नहीं रहेगा? सो दी एक्सेलरेशन विल बी देयर। यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। अब हो सकता है आप में से कोई लोग बोले कि सर एक्सेलरेशन कहां से आ गया, हमने तो पढ़ा है कि वो गाड़ी में एक्सेलरेटर रहता है ऐसा, और एक्सेलरेटर क्या करता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है या तो स्पीड कम कर देता है। एक्सेलरेटर से स्पीड कम या ज्यादा होती है, और यहां तो स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही, फिर उसमें एक्सेलरेशन कहां से आ गया? तो रिमेंबर डेफिनेशन क्या है हमारी एक्सेलरेशन की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। When the stone is here, मान लो मैं रस्सी से बांधकर पत्थर को गोल घुमा रहा हूं, अभी पहले स्टोन यहां है at position number one, P1, at position number one. तो जब ये स्टोन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो what is the direction of linear velocity? Position number one पर उसकी direction क्या रहेगी? ये direction रहेगी V1 bar. अब आप पूछेंगे सर velocity का direction इधर क्यों, स्टोन तो इधर जा रहा है। अगर स्टोन ये रस्सी टूट जाती है या रस्सी मेरे हाथ से छूट जाती है तो पत्थर कहां जाना चाहेगा, उसकी इच्छा क्या होगी, किधर जाना चाहता है वो? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है हर चीज सीधी लाइन में चलते रहना चाहती है अगर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो एक्सटर्नल। तो ये स्टोन इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहेगा, वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी 200 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन अभी इसका किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ। जब ये स्टोन यहां जाएगा तो व्हाट विल हैपन, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, पश्चिम की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, द मैग्नीट्यूड विल बी द सेम 200 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और जब स्टोन यहां पर पोजिशन में आ जाएगा तो पत्थर का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, नीचे। सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हियर आल्सो विल बी द सेम 200 किलोमीटर पर आवर। फिर जब स्टोन यहां आ जाएगा तो किधर जाना चाहेगा, उसके अगर रस्सी छूट जाए तो किधर भागेगा, टुवर्ड्स ईस्ट,
पूरब की तरफ भागना चाहेगा। सो इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इसकी तरफ होगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी 200 किलोमीटर पर आवर। सो व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा उसी को हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि अगर वेलोसिटी का या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो गई, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो गई, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो भी हम कहते हैं वेलोसिटी चेंज हो गई। आई एम रिपीटिंग अगेन, वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी का ओनली डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, वैल्यू नहीं चेंज हो रही, वैल्यू इज द सेम। 200 किलोमीटर पर आवर म्हणजे 200 किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू इज नॉट चेंजिंग बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा एंड व्हाट इज चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ये घूमने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले स्टोन में एक्सेलरेशन रहेगा। अच्छा, डोंट कंसीडर कि ये वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा हूं मैं, लेट अस सपोज कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। अदरवाइज अगर आप इसको इमेजिन करोगे कि ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो मैग्नीट्यूड भी अपने आप चेंज हो जाएगा, नीचे जाते समय वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ऊपर जाते समय वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मेरे डायग्राम की ओर मत ध्यान दो, ये इमेजिन करो कि द पार्टिकल वाज रोटेटिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, पत्थर ऐसे घूम रहा था रस्सी से बांधा हुआ, यहाँ पर भी वेलोसिटी 200 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ भी 200 थी, यहाँ भी 200 और यहाँ पर भी 200 हॉरिजॉन्टल सर्कल में। सो इट वॉज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन बट एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वाज द सेम बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी केप्ट ऑन चेंजिंग, इसलिए यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। हमारी टेक्स्ट बुक में दो पॉइंट्स दिए हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पॉइंट नंबर वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें पार्टिकल में एक्सेलरेशन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। नंबर टू, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? इफ एनी मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब ये इलेक्ट्रॉन है, एक चक्कर जितनी देर में लगाता है न्यूक्लियस के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड राउंड भी उतनी देर में लगाता है, थर्ड राउंड भी उतनी देर में लगाता है, मतलब एवरी इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने के लिए उतना ही टाइम लगता है, जैसे मून का मोशन, मून को नियरली 27.3 डेज लगते हैं, 27.3 डेज लगते हैं मून को अर्थ का एक चक्कर लगाकर फिर से दिखाई देने के लिए। तो हम कहते हैं कि मून का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और वो पीरियोडिक है, हर इक्वल पीरियड के बाद में फिर से मून आ जाता है ना, पहले पहले बढ़ते 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 जाता है, मून ज्यादा ज्यादा दिखाई देता है हमको, न्यू मून डे, फिर उसके बाद में वो न्यू मून डे होता है और कुछ समय बाद फिर 14th नाइट को 14वीं का जो चांद होता है वो फुल मून डे होता है, फुल मून डे होता है, और उसके बाद क्या होता है फिर मून कम 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 होता है, फिर से उतने सेम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में फिर से दिखाई देता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर वन इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, नंबर टू इट इज पीरियोडिक मोशन, यानी ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एंड इसकी दो टाइप्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेम स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद चेंजिंग स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक इज वी हैव टू, हमारी टेक्स्ट बुक कहती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको डिस्क्राइब करना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। See, if a particle is performing circular motion, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल है, इनिशियली द पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, यहां पर एक पार्टिकल है, आफ्टर सम टाइम आफ्टर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टी टेंड्स टू जीरो, बहुत कम टाइम में, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम में, बहुत कम टाइम में नियरली जीरो है, टाइम जीरो नहीं है बट नियरली अप्रोचिंग टू जीरो है,
इतने कम टाइम इंटरवल में, माइक्रोसेकंड नैनो सेकंड में, एक यहाँ पर एक पार्टिकल है वो गोल घूम रहा है, तो इतने कम टाइम में वो कहाँ पहुंचेगा? ये लेटर सपोज यहाँ पर एक एंट है, चीटी है, और उसको टाइम बहुत कम है, और चीटी फास्ट भागना चाहती है लेकिन वो स्लो चलती है, हमें मालूम है, तो चीटी कहाँ पहुंचेगी? इट विल रीच पॉइंट बी. तो व्हेन एन एंट, व्हेन अ पार्टिकल गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, चीटी कहाँ से गई? ए से चलते हुए बी तक गई, तो उसने एक सीधा डिस्टेंस कवर करी ए से बी तक. दिस डिस्टेंस, this shortest distance between point A and point B is called linear displacement, and we denote this linear displacement by del S. What is del S? Linear displacement. सीधी लाइन में, linear का मतलब होता है सीधी लाइन में, linear. So linear displacement. लेकिन जब एक particle point A से point B तक पहुंचा, so at that time यहां पर एक angle भी बना, and this angle we will denote by theta or d theta. Let us denote it by d theta. This angle is d theta. We can denote it by theta also. ये जो angle बना, this angle d theta is called angular displacement. Or let us denote it by only by theta. Theta is called angular displacement. Now what is angular displacement? Can we define it? What can be angular displacement? The angle made at the center of the circle, if a particle moves from one point to another point along the circumference of a circle. What is angular displacement? The angle made, shall I write it down? Angular displacement ka definition dekho. The angle made, subtended bhi likh sakte hain scientific mathematical language mein. The angle made at the center of the circle, the angle made at the center of the circle when a particle moves from one point to another point along the circumference of the circle. Along the circumference of the circle. This is called angular displacement. Angular displacement का मतलब है कि जब कोई particle तो चल रहा है circumference पर, लेकिन उसने center में भी एक angle subtend किया है, एक arc जैसी बनी है, लेकिन क्योंकि time बहुत कम है तो ये bend नहीं हुई, ये curve नहीं है, it's a straight line. कम टाइम में स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है. सो ये स्ट्रेट लाइन ए बी, सेगमेंट ए बी, लाइन ए बी इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसके कारण यहां जो एंगल बन गया दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Angular displacement is denoted by theta. And remember, small angular displacement is a vector quantity. And what is the direction of angular displacement? Suppose मेरे पास एक screw है. Screw. सबको मालूम है screw क्या होता है. So एक right hand thumb rule. Remember, angular displacement, small angular displacement is a vector quantity. It has direction. आप कहोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे हुआ? सी, सपोज ये स्क्रू है, इसका ये टेल है, नोक है स्क्रू का, और ये हेड है स्क्रू का. मैंने इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जो आप इलेक्ट्रिसिटी में भी टेंथ में भी पढ़ चुके हो, सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ द कर्ल्ड फिंगर्स, these fingers called fingers denote the sense of rotation, direction of rotation. अगर मैं इस स्क्रू को इस डायरेक्शन में रोटेट कराता हूं, ऐसा घुमाता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, आप नीचे से देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से क्या होगा? स्क्रू कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है. तो रिमेंबर,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई चीज के एंगल गोल घूमने के कारण, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण वो कहां जाता है? ऊपर जाता है। स्क्रू, स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? अगर मैं उसको ऐसा घुमाऊंगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉलोज राइट हैंड थंब रूल, ये मैक्सवेल्स कॉर स्क्रू रूल भी फॉलो करता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई होप आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मालूम है, उल्टा डायरेक्शन घड़ी की, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12, अगर उल्टी घड़ी, उल्टी गिनती चालू हो जाए किसी की, अगर उल्टा गिनना लग जाए, तो दैट मोशन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर रहेगा? ऊपर। तो वी विल राइट डी थीटा बार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है, इट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर बिकॉज इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कल, सर्कल की एक्सिस है, वाई एक्सिस जैसे ऊपर जा रही है, जेड एक्सिस जो भी नाम देना चाहो, सो एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन अ पार्टिकल गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along the circumference of the circle. Now after angular displacement, see linear displacement or angular displacement आप समझ गए। अगर समझो ये चीटी short time या time इसको ज़्यादा दे दिया जाए, so this end, ये चीटी जो point A पर है, थोड़ी देर के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगी? चलते 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 it will reach point B, चीटी point B पर पहुँच जाएगी, और जैसे चीटी point B पर पहुँच जाएगी, so what will happen? Its angular displacement will be 90 degrees. उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और रेडियन में गिना जाए तो इट विल बी 5 बाय 2 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड हाउ मच विल बी द लीनियर डिस्प्लेसमेंट? ये बहुत साल पहले आईआईटी में आ चुका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है कि पार्टिकल कंप्लीट क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से लेकर के बी तक, और रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, ये रेडियस भी आर है, अब ये आर है और ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको मालूम है ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बिकम 2r स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट तो इट विल बिकम 2√2r, ठीक है। तो दिस विल बी इट्स एंगुलर, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पाई बाय 2 रेडियन होगा। अगर कोई पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगा के घूम जाता है, लेट अस सपोज यहां पर एक एंट है, चींटी है, ये घूमते 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 पॉइंट ए से आई और पूरा घूमकर अगेन वो एक पॉइंट ए पर ही फिर से आ गई, मतलब इट हैज कंप्लीटेड वन कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल में घूम गई, ए से स्टार्ट हुई, घूमते 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 अगेन वो पॉइंट ए पर आ गई, तो कितने डिग्री घूम गई? 360 डिग्रीज। एंड 360 डिग्रीज को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री। तो ये क्या हुआ? इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। और डिस्टेंस कितना चला है? डिस्टेंस, सो डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस कितना चला? सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 360 डिग्री, 360 डिग्री घुमा एक चक्कर में, मतलब 2 पाई रेडियन घुमा। सो व्हाट इज दिस? इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये उसका लीनियर डिस्टेंस, सॉरी उसका डिस्टेंस है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड के एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल इन रेडियन। अगर हमको एंगल रेडियन में गिनना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। So, एंगल कितना है यहां पर? थीटा। आर्क क्या है? पूरा घूमकर बताएंगे 2 पाई आर, एक्चुअली इस पूरे चल गया ये 2 पाई आर, सो दिस इज रेडियस, आर आर विल गेट कैंसल्ड, तो हाउ मच एंगल हैज इट ट्रेवल्ड? 2 पाई रेडियन। सो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डीएस इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी एस इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज, हमें अभी क्या देखा?
वी हैव स्टडीड, अब तक हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखे हमने। फिर बाद में हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नाउ सी, अब लीनियर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी, वी आर डिनोटिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय ds। सो लीनियर और लिमिटिंग केस हो तो वी कैन राइट लिमिट del t टेंड्स टू जीरो ऑफ del s बाय del t। व्हाट इज del s? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। एंड व्हाट इज del t? टाइम। या सीधी सादी भाषा में बोला जाए तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन अ शॉर्ट टाइम, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम ये लिमिट्स को हटाकर रख दे एंड इफ यू राइट ds बाय dt, सो व्हाट विल दिस बी? लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखेंगे हम? सी, लीनियर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v एंड एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय दिस ग्रीक लेटर ओमेगा, ग्रीक अल्फाबेट का ये आखिरी लेटर ओमेगा, कैपिटल ओमेगा इज दिस ओम, जिसको ओम्स लॉ में हम बोलते थे रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट। सो दिस इज कैपिटल ओमेगा एंड दिस This is small omega. Alpha, beta, gamma, delta, eta, theta, zeta, iota, pi, chi, sigma, kappa, lambda. वो उसका last letter है। So angular velocity का definition क्या होगा? Angular displacement upon time. Now how can we define linear velocity? The rate of change of, आपको मालूम है divided by time को हम हमेशा rate of change of बोलते time. So the rate of change of linear displacement is called linear velocity. The rate of change of linear displacement is called linear velocity. And the rate of change of angular displacement is called angular velocity. अब आप मुझे बताओ कि मैं आपके सामने दो clocks बनाने वाला हूँ, दो घड़ी बनाता हूँ, उनमें से किसकी angular velocity कम है और किसकी angular velocity ज़्यादा है, आप मुझे बताना। घड़ी का एक ये क्लॉक है, दिस इज क्लॉक वन एंड हियर वी हैव अ सिमिलर क्लॉक विच इज क्लॉक टू। क्लॉक टू ये घड़ी क्या करती है, वो एक सेकंड में 30 डिग्री एंगल कवर करती है, फिर वन सेकंड में 30 डिग्री एंगल कवर करती है, फिर वन सेकंड में 30 डिग्री एंगल कवर करती है। तो तीन सेकंड में इसने कितने डिग्री एंगल कवर की? टाइम इज 3 seconds, angle covered will be total 90 degrees, pi by 2 radian. और ये वाली जो घड़ी है, ये 1 second में angle cover करती है, let us suppose 45 degrees, 1 second में, और ये घड़ी फिर 1 second में 45 degrees angle cover करती है। तो किसकी है? कौन सी घड़ी 1-1 second में ज्यादा ज्यादा angle cover कर रही है, clock number 1 या clock number 2? Let us suppose घड़ी का काटा anti clockwise direction में घूम रहा है, मान लो समय उल्टा चल रहा है, तो क्या होगा? ये घड़ी एक सेकंड में 30-30 डिग्री चलती है और ये 45-45 डिग्री चलती है एक सेकंड में, किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? ऑफ कोर्स क्लॉक नंबर वन का। क्यों? क्योंकि ये कम टाइम में ज्यादा एंगल कवर कर रही है, मतलब इक्वल टाइम में ज्यादा एंगल कवर कर रही है। सो एंगुलर वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंगल कवर्ड बाय अ पार्टिकल पर सेकेंड, एक सेकंड में गोल घूमते समय कितना कितना एंगल कवर करती है, उसको बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। मैं आपको बोलना भूल गया, अब वैसे आप पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन रेडियन, एंगल का ऐसा यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, डिग्री में नहीं गिनना चाहिए, ये ऐसा ही, वैसे गिने तो नो प्रॉब्लम, बट ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डीटी, ऐसा लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा का मतलब होता है थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहां पहुंच गया तो बड़ा थीटा, यहां था तो 0 डिग्री था, यहां पहुंचा 30 डिग्री, यहां पहुंचा 60 डिग्री, यहां पहुंचा 90 डिग्री। सो फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल। सो ओमेगा इज डी थीटा बाय डीटी, तो ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? रेडियन
बिकॉज एंगल का ऐसा यूनिट क्या है रेडियन एंड dt इज टाइम और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा सेकंड. सो व्हाट शुड बी द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इट्स एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड. इन शॉर्ट वी कैन राइट r in rad पर सेकंड रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी. एंड व्हाट शुड बी द ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर वेलोसिटी. Linear displacement is measured in meter, time is measured in second. So linear velocity is meter per second and angular velocity is radian per second. अच्छा, so ये वाला जो motion है, ये कैसा है? इसकी velocity कैसी है? Change हो रही बार-बार angular velocity या नहीं हो रही? Its angular velocity is the same. एक-एक second में 30 degree, तो ये uniform angular velocity से घूम रही है. Don't get confused. What is uniform angular velocity? अगर equal time interval में equal angle cover कर रहा है, so we say उसका angular velocity is constant. उसका angular velocity same है. इसका angular velocity कम है, 30 degree per second है, 30 degree per second, यानी pi by 6 radian per second. और इसकी angular velocity ज्यादा है, 45 degree per second, यानी pi by 4 radian per second. तो इसका angular velocity ज्यादा है, इसका angular velocity कम है, लेकिन इसका भी angular velocity constant है, भले ही धीरे चल रहा है, लेकिन same speed से चल रहा है, और इसका angular velocity ज्यादा है, लेकिन वो भी constant है, 45 degree per second, मतलब pi by 4 radian per second. So angular velocity समझ में आ गया. The next term. नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे शॉर्ट, दीज आर ऑल शॉर्ट डेफिनेशंस. इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इनके बेसिस पर हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करना है. लेट अस नाउ डिस्कस लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. वी ऑल नो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी कम या ज्यादा होने को कहते हैं हम, वेलोसिटी के चेंज होने को कहते हैं हम एक्सेलरेशन. So, what is linear velocity? बचपन में क्या लिखते थे आप? V minus U divided by T. What is V? Final velocity. What is U? Initial velocity. Universal terms. V is final velocity, U is initial velocity, T is time. And we can denote it. अगर हम इसको ऐसा change कर देते हैं, final velocity को V2 से बताते हैं, initial velocity को V1 से बताते हैं, और time को dt से बताते हैं. So, what will be the definition of linear acceleration? Linear acceleration is denoted by A. So linear acceleration हो जाएगा dv, dv का मतलब है change in velocity divided by dt. So, now how can we define linear acceleration? Linear acceleration will be, linear acceleration का मतलब क्या है, गाड़ी सीधी line में चल रही लेकिन उसकी velocity कम ज्यादा हो रही है. पहले बहुत fast भाग रही थी गाड़ी, बाद में slow हो गई, या उल्टा पहले गाड़ी बहुत slow चल रही थी फिर गाड़ी बहुत fast हो गई. तो लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. कितनी देर में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर टाइम, सॉरी मीटर पर सेकंड, एंड टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड. सो इट विल बिकम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, SI unit of linear acceleration will be meter per second square. And उसके opposite में angular acceleration. Angular acceleration. इसको ध्यान से समझना, इसके basis पर एक numerical question हमारी textbook में दिया है, for example वाला numerical question. But board exam में इसके basis पर ये angular acceleration वाले कम से कम 100 questions आज तक board exam में आ गए होंगे. अगर हम अप्रैल 1978 से लेकर अब तक अगर देखें तो 100 क्वेश्चंस या उससे आसपास क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर कोई चीज गोल घूम रही है तो उसमें गोल घूमते समय उस पे एंगुलर वेलोसिटी है, गोल घूमने की वेलोसिटी है. और अगर किसी चीज की गोल घूमने की वेलोसिटी कम या ज्यादा हो जा रही है, अगर गोल घूमने की स्पीड बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो हम एक कहते हैं कि उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया. मतलब अगर मैंने किसी फैन को, पहले वो फैन स्विच ऑफ था, सीलिंग फैन, और मैंने जाके बटन ऑन किया, तो सीलिंग फैन पहले उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, घूम रहा नहीं था, वो रेस्ट पोजीशन में था. आफ्टर सम टाइम वो धीरे धीरे फास्ट बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड बढ़ने लगी. तो जब उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी तब हम कहेंगे उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन. और जब उसकी स्पीड एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंच जाएंगी, फिर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, फैन के सॉरी हाँ उसकी एंगुलर स्पीड जो है फैन की वो कम या ज्यादा नहीं होगी, एंगुलर स्पीड विल रिमेन द सेम। हाँ फिर मैं उस फैन को स्विच ऑफ कर दूंगा तो फिर धीरे धीरे वो स्लो होने लगेगा, उसकी गोल घूमने की स्पीड कम होगी, मतलब एंगुलर स्पीड कम होगी, और एंगुलर स्पीड के चेंज होने को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर सेकंड पर यूनिट टाइम। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन गोल घूमने की स्पीड, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वन सेकंड। एक सेकंड में स्पीड कितने से चेंज हो जाती है, कितने से कम हो जाती है, ये कितने से बढ़ जाती है, कितनी वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर सेकंड पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। वी कैन आल्सो से एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब इसी को मैं कैसा लिख सकता, वी नो वी टू माइनस वी वन को डी वी बोलते हैं, तो डी ओमेगा को क्या बोलते होंगे, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर एक वॉशिंग मशीन है वो पहले उसकी गोल घूमने की वेलोसिटी 45 डिग्री पर सेकंड है, वैसे उसका मैंने ऐसा यूनिट में बोलना चाहिए बट आपको इजी होना चाहिए इसलिए आई एम यूजिंग डिग्री पर सेकंड। 45 डिग्री पर सेकंड की स्पीड से वॉशिंग मशीन गोल घूम रही है और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 30 डिग्री पर सेकंड, तो उसकी स्पीड बढ़ गई या कम होगी, पहले कितनी स्पीड थी 45 डिग्री पर सेकंड, पाई बाय 4 रेडियन पर सेकंड, बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी, ओमेगा 2 इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 30 डिग्री पर सेकंड, मतलब पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड, और उसकी स्पीड को 45 डिग्री पर सेकंड से 30 डिग्री पर सेकंड होने के लिए 3 सेकंड्स लगे सपोज, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट्स स्पीड वाज ओमेगा 2 कितनी थी 45, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वाज 30 डिग्री पर सेकंड माइनस 45 डिग्री पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स, 45 डिग्री पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री पर सेकंड की स्पीड आने के लिए कितना टाइम लगा, 3 सेकंड, तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना आया, रिमेंबर लीनियर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, alpha is equal to omega 2 minus omega 1 divided by time, so it is 30 degree per second minus 45 degree per second, this will become minus 15 degree per second divided by 3 second, again ye ho jayega 3 5 sa 15, 15 degree per second square, but humko malum hai ki angle should not be measured in degrees, it should be measured in radians, to hum isko aisa bhi bol sakte hai ki this 30 degree will become pi by 6 radian per second minus and initial angular velocity kitni thi 45 degree, so it will become pi by 4 radian per second, so this will it will give us some value, wo to calculations aapko aate hain bachpan se aap kar rahe ho calculations, so what is angular velocity, angular what is sorry what is angular acceleration, angular velocity per unit time ya rate of change of angular velocity is called angular acceleration. So don't get confused. मैं short में यहाँ पर बाजू में लिखता हूँ कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है. We studied the definition of circular motion. Number two, we studied that circular motion has two types. One is uniform circular motion. Another is non-uniform circular motion. Uniform circular motion का example क्या है? Motion of electron around the nucleus. इज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन का मतलब क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाया हमने वर्टिकल सर्कल में, तो स्टोन जब नीचे जाएगा तो उसकी स्पीड का बढ़ जाएगी, स्टोन जब ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। फिर तीसरी चीज क्या पढ़े हमने डेफिनेशन पढ़े, आधा डजन डेफिनेशन, 6 डेफिनेशन पढ़े, कौन कौन सी डेफिनेशन, कंपेरेटिव वाली हमने पढ़ा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, रिमेंबर दिस डेफिनेशन इज नेवर आस्क्ड इन द एग्जाम, आज तक कभी पूछी नहीं गई है कि डिफाइन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कभी नहीं आता एग्जाम में, सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कोई पूछता नहीं है, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो और भी ज्यादा अच्छी बात,
फिर उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो बीच में एक एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नंबर फोर, फिर हमने कौन सी जोड़ी पढ़ी, हमने नेक्स्ट जो जोड़ी पढ़ी, अच्छा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रफ लिख रहा हूं मैं, नॉट फॉलोइंग द ऑल रूल्स। अब दूसरा, लीनियर वेलोसिटी क्या है, नोबडी विल आस्क यू व्हाट लीनियर वेलोसिटी इज, हमको 12th स्टैंडर्ड में कोई नहीं पूछता डिफाइन लीनियर वेलोसिटी, जस्ट फॉर नॉलेज, बुक में दिया है तो पढ़ना पड़ता है। लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे क्या है लीनियर वेलोसिटी, तो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, यानी v इज इक्वल टू ds बाय dt, लीनियर वेलोसिटी यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds डिवाइडेड बाय टाइम dt। उसी तरह से व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी एंगुलर वेलोसिटी। नंबर फाइव, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब है कोई चीज सीधी लाइन में चल रही है और उसकी स्पीड या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है, लीनियर एक्सेलरेशन का इज डिनोटेड बाय ए, व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी, सो लीनियर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी यानी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड व्हाट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या आप में से कोई डिफाइन कर सकता है बेस्ड ऑन द अबव डेफिनेशंस, बहुत इजी है, लीनियर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, सो लीनियर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी कैसे बताते हैं, ओमेगा से, और चेंज कैसे बताते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं उसका, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। अब इसको अच्छे से याद रखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लीनियर वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिवाइडेड बाय टाइम और ऊपर चेंज, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट होना चाहिए, तो यू विल, आई होप कि आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इसको एक बार रिवाइज करके आओगे, ठीक है, मेक डाउन द नोट्स, इनको नोट डाउन करके रख लेना है, आप अपना फिजिक्स रजिस्टर में इसको अच्छे से नोट करना है, और अगर आपको कोई डाउट या डिफिकल्टी होती है तो इसको आप यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू नहीं पूछोगे, आस्क डाउट्स एंड डिफिकल्टीज टू मी वाया व्हाट्सएप, आई विल बी अवेलेबल, आपके व्हाट्सएप पर मुझे डाउट्स पूछो, आपके पास मेरा नंबर है, so you will ask doubts to me or and I will give you satisfactory and more than satisfactory answers to you, ठीक है, चलो ठीक है, bye।